हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और जैसे मैं अपनी बातें आपसे शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं आपसे रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी। और उसके बेसिस पे हो सकता है शायद मैं आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम कर दूँ। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। अगर हम साइकोलॉजिकल तरीके से चीज़ों को लेते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ आता है। मतलब जो भी चीज़ है हम उसे कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, होती नहीं है उतनी कॉम्प्लिकेटेड जितना हम बना लेते हैं। देखिए, कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसको लेके इतना परेशान क्यों होते हैं, इतना बॉदर क्यों होते हैं? इंसान हैं, फीलिंग्स हैं, आप यही बोलेंगे, जज्बात हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं। तो इनको कंट्रोल करना कौन सीखेगा? हम ही सीखेंगे ना, कोई और तो आएगा नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल दूं, क्योंकि बुरे समय में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अच्छे समय तो आराम से निकल ही जाता है। देखिए, मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया था अपनी सास का ही, कि बुरे वक्त में उन्होंने कैसे सिचुएशन को संभाला। अकेली डॉक्टर को दिखाने गई, मेरे ससुर जी को हाफ साइड माइनर पैरालिसिस का अटैक आया। और फिर भी उन्होंने भी, देखिए जो पेशेंट है उन्होंने भी कितनी हिम्मत दिखाई कि वो फिर भी, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्टिल वो वॉक करके गए और उनको कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो कह रहे नहीं, मैं खुद से चलूंगा। देखिए, उस सिचुएशन में जिस बंदे को पता हो कि उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, स्टिल उसने अंदर से गिव अप नहीं किया, अपने विल पावर को स्ट्रांग रख के कदम बढ़ाए, चाहे धीरे से बढ़ाए। और मम्मी अकेले उनको डॉक्टर के पास लेके चली गई और डॉक्टर से पूरा बात भी करी, डॉक्टर के सामने बिल्कुल नर्वसनेस नहीं दिखाना। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, जिसको पता हो कि अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और लेकिन वो जा रही है और अपने बच्चों को भी ये समझा रही है कि बच्चों घबराना मत, ठीक है, मैं हूँ ना साथ में, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, अभी इतना दिन आप खुशी से रहे हैं, थोड़े दुख भी आने जरूरी है, किसी भी रूप में आ जाते हैं, भगवान का ब्लेसिंग करिए, बहुत बड़ा दुख नहीं दिया है, कोई बात नहीं, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। आप सोच के देखिए कि छोटी बात नहीं है। उस टाइम में जनरली औरतों की बात करूं, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा और हम पैनिक बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है गाइज, जैसे हमें किसी की फिक्र होती है तो हमें, अगर हम फ़ोन मिला रहे हैं और वो सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, मैं डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ को, कि एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से ही आना था तो गलत मैसेज आ गया था उनका कि मैं अभी ऑफिस से निकला, तो मुझे लगा निकल जाएंगे, आने में 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगता है, तो मैंने सोचा आ जाएंगे, लेकिन 1.5 घंटे में वो नहीं आए, 2 घंटे हो गए। मैं थोड़ा सा सोचने लगी क्यों नहीं आए, मैंने मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं, कॉल किया, कॉल का रिप्लाई नहीं, तो और मेरे पास किसी और का नंबर भी नहीं था जहाँ मैं पूछ सकती, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि वो सिचुएशन कभी पहले नहीं आई थी, कभी ऐसा हुआ नहीं, और जब बोलते हैं तभी आ जाते हैं, तो मैं बड़ी थोड़ा सा परेशान हुई 10-15 मिनट। और फिर मैं मतलब मैंने खुद को थोड़ा सा एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया और रिलैक्स्ड वाल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी और फिर अपने आप को काम किया कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना पैनिक नहीं होना है, इतना टेंशन नहीं लेनी है। और थोड़ी देर बाद फिर से मैंने अपने हस्बैंड को ट्राई किया फ़ोन, तो लगा, उन्होंने बोला कि अभी नहीं निकल पाया, मैंने आपको मैसेज किया तो था कि अभी नहीं निकल, मैंने कहा आपने लिखा मैं निकला, तो बोले वो बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं अभी कंपनी से निकल ही रहा हूँ तो आ जाऊँ। तो गाइज सीरियसली, मतलब हम सिचुएशन होती क्या है और हम उसे सोच के या फिर नेगेटिव सोच के कितना वियर्ड बना देते हैं। और मैं, क्योंकि मैं भी अकेले थी घर पे, कोई और नहीं था, तो किसी और से डिस्कस भी नहीं कर पा रही थी और मतलब इंतज़ार कर ही रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया और संभाला। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रही हूँ, किसी भी सिचुएशन को एकदम से हाइपर होके या पैनिक होके उसको, उसका गलत रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी थॉट ही होती है जो आपको रियलिटी दिखवाती है। आपने अगर अच्छा सोचा तो आप अच्छा करेंगे, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपको बुरा ही सोचने में आएगा।
एक बुरी थिंकिंग, देखिए एक अच्छा सोचना 100 पे भारी होता है, मतलब 100 बुराइयों पर। उसी तरह अगर आप 100 बुराइयां सोचने लगे, सोचिए तो एक अच्छाई का दम निकल जाएगा ना, मतलब अपोजिट में होती हैं। एक अच्छाई, एक अच्छी थॉट खड़ी होती है, यहाँ पे 1000 नेगेटिव थॉट्स खड़ी होती हैं। जब टकराएंगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट का पल्ला भारी होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट का ये जज्बा है कि कितने भी आ जाए मैं तुझे हरा दूंगा, तो वो जीत जाएगा, क्योंकि उसका अंदर से उसकी विल पावर जीत रही है, अंदर से उसका स्ट्रांग बिलीव जीत रहा है ईश्वर पे, अपने प्रति, अपनों के प्रति, वही इंपॉर्टेंट है। तो बुरे समय में जितना आप पैनिक होंगे उतना ज्यादा सिचुएशन खराब होगी। आप रिलैक्स हो के, मम्मी के ये स्टेटमेंट भी थे, अगर मैं ही ऐसे रिएक्ट करूंगी, मैं ही ऐसे परेशान हो जाऊंगी तो पापा का क्या होगा? वो तो अपने आप को समझेंगे ना कि मैं मरीज बन गया हूँ, मैं परे मेरे साथ प्रॉब्लम है। हम हैप्पी रहेंगे तो हमें देख के वो भी हैप्पी रहेंगे। यही थॉट क्रिएट करनी है गाइस, सच में। ये मतलब मुझे उसी चीज़ से ज़्यादा स्ट्राइक करा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और आप लोगों को ये अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आपकी समझदारी की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर रोना धोना मत मचाइए। मैंने देखा है कई बार, बहुत लोगों को देखा है, कोई इंसान परेशान होगा उसी के पास आके, अरे भैया क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे तेरे काम बनेंगे, तेरा तो सब कुछ बेकार हो गया, बड़ी सिचुएशन खराब होगी, भगवान ने तेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, मतलब इस तरह से ही आके सांत्वना देते हैं। ये सांत्वना होती है दूसरे बंदे को और दुखी कर रहे हैं। इनफैक्ट रोने, मैं मतलब ये बात भी करूंगी, मैंने बहुत जगह देखा है कि जो खास रिलेटिव्स होते हैं या खास लोग होते हैं उन्हें ही दिल से दुख होता है, बाकी लोग किसी के मरने में भी छूटा रहते हैं, या वो जबरदस्ती का आके लोगों को देख के एक्टिंग करते हैं। मैं एक्टिंग ही बोलूंगी क्योंकि मैंने खुद रियलाइज ऑब्जर्व किया है, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। किसी को दुख होता है, जरूरी नहीं होता है कि आंसू ही आएंगे, दिल से दुख होता है, और उनके परिवार को आप सांत्वना देने गए हो कि थोड़ा स्ट्रांग रहिए, इस सिचुएशन को संभालिए, और ऊपर से आप उनके ऊपर थोप रहे हैं, अब क्या होगा, तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे, मतलब ये चीज़ें, ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलने चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो दूसरे इंसानों की मदद करिए। और उससे पहले मैं जिन लोगों के साथ सिचुएशन आई उनको बोलूंगी, पैनिक होने से कुछ नहीं होता, जो होना है वही होगा, क्योंकि ये ईश्वर की बनाए हुए कड़वे सत्य हैं कि सुख के साथ दुख आएगा, और दुख का समय बिताना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक दुख है। सुख दुख अपने मन के भाव हैं। अगर हमें, मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी इस पे भी, कि ये मन की एक फीलिंग्स हैं, जो जितना उजागर होंगी उतना ही हमें रियलाइजेशन होगा। अगर हम दुख की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं तो हमें दुखी फील होगा, और हमें सुख की तरफ सोच रहे हैं तो हमें आशा की किरण जरूर दिखाई देगी। तो होपलेस मत हो जाइए। किसी बच्चों के लिए भी मैं बोलती हूँ, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले ही सोच लेते हैं उनकी अगर थोड़ी सी पढ़ाई में कमी हो जाए या उनके रूटीन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, तो वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये आप अभी से कैसे तय कर सकते हैं? जो पेपर बना है वो सबके लिए एक जैसा बना है, आपके लिए अलग से नहीं आया, और उस पेपर के लिए जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबका मेंटल लेवल अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही होता है। ये साइकोलॉजी के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तो सबके मन में चिंता होती है कि हमारी कितनी तैयारी है यार, ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, लास्ट मोमेंट तक ऐसा रहता है कि हाँ पढ़ना है। 10% ही लोग होते हैं जो बहुत काम रहते हैं और सोचते हैं देखा जाएगा जो होगा, अपनी मेहनत हमें करनी है, अपने पर समय डालने हैं। तो सबको ही अगर 10% वाले स्टूडेंट की तरह सोचने लग जाए, सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तभी क्या होता है, जितनी सीट्स होती हैं उतनी सिलेक्शन होते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते। तो वो सीट एक ही है आपके लिए, एक ही सीट है, आपको अपनी सीट के लिए फाइट करनी चाहिए, और उसमें अपने एफर्ट्स पूरे डालिए, अपनी मेहनत पूरी करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए नतीजे पे। जब तक कंक्लूजन नहीं आता, जब तक रिजल्ट नहीं आता, यू कैन डिसाइड कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन से,
और सिचुएशन से लड़ने का एकमात्र उपाय यही है कि उस सिचुएशन में अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाइए, या उस टाइम अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरह से यूज करिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो चीज़ें आप ही खराब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।